अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम बैक टू माई चैनल हैदराबादी तड़का। आई एम योर कुकिंग एक्सपर्ट सफ़ी। आज हम मुहर्रम स्पेशल ट्रेडिशनल डिश है, ये हैदराबाद का ये चोंगे है, इसको बनाने का तरीका सिखाएंगे आपको। आप एंड तक वीडियो देखिएगा। देखिए मैं ये मेजरमेंट कप से, स्टैंडर्ड कप है ये, ये दो कप मैदा ले, ऑलरेडी ये कप डाल दी मैं, और ये एक कप, दो कप से इसमें 1 टीस्पून नमक डालूँगी। नमक डालने से टेस्ट में इजाफा हो जाएगा। ये इसको मैं ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करूँगी। इसमें आप ऑयल भी डाल सकते हैं, मैं इसमें घी डाल रही हूँ, 4 टेबल स्पून डालूँगी मैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये घी डालने से अच्छा क्रिस्पी क्रंची बनेंगे। देखिए इस तरह क्रम बनना, देखिए इस तरह बनना। अभी इसमें नॉर्मल वाटर डाल के मैं आटे के वैसे गूंदूंगी। अभी थोड़ा थोड़ा पानी, नॉर्मल पानी डाल के इसको गूंदेंगे। देखिए अच्छा सा इसका तो क्रम्ब अच्छा सा बन गया। नॉर्मल पानी है ये, जैसे नॉर्मल आटा के आटा गूंदते ना, इसी तरह गूंद लेना। देखिए अच्छा सा इसको आटे के वैसे गूंद के हो गया। थोड़ा सा घी डाल के रख देंगे। आधे घंटे के लिए ढक के छोड़ दूंगी मैं, तब तक मैं इसका शीरा बनाएंगे। आधा घंटे के लिए इसको रेस्ट कर ढक के रख दूंगी मैं, तब तक मैं शीरा बना के रखूंगी। देखिए मैं ये मेजरमेंट कप से, स्टैंडर्ड मेजरमेंट कप है ये, इसे मैं 1 कप शुगर ली, ये 1.5 कप वाटर डालेंगे इसमें। इसको बस ये शुगर मेल्ट हुए तक इसको पकाएंगे हम। थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और जाफरान की काढ़िया डालेंगे बस। सॉफ्टन के काढ़िया डालेंगे, थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे मैं, 1/2 टीस्पून। ये तार वाली हमको ये शीरा नहीं चाहिए,
चिपचिपा शीरा चाहिए बस। देखिए हाफ टी स्पून इलायची पाउडर डालना है अच्छी खुशबू के लिए। देखे शेरा तैयार हो चुका है। स्टोव बंद कर दे रहे हैं मैं। परफेक्ट है ये, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए फिर क्रिस्टल बन जाती हूँ। देखे आधा घंटा हो चुका है, ज़बरदस्त बन चुका है ये। एक बार अच्छा सच गोंद लेके पेड़े बनाऊंगी फिर बताऊंगी मैं। देखिए पेड़े बनाऊंगी मैं इसका। देखिए 10 पेड़े बने, इसका रोटी बनाएंगे, 5-5 के बनाएंगे। थोड़ा सा आटा लगा के इसको रोटी के जैसा बेलेंगे। चलिए मैं एक रोटी बेल दी, इसको एक प्लेट में डाल के रखेंगे। इसी तरह पूरे मैं पेड़े रोटी बेल के रखूँगी इस तरह। देखिए मैं मैदे में थोड़ा सा घी डाल के इसको पेस्ट जैसा बना दी, इसको ये रोटी पे डाल के स्प्रेड करेंगे। देखिए मैदे में थोड़ा सा घी डाल के मैं ये पेस्ट जैसा बना दी, इसको ये रोटी पे डाल के स्प्रेड करेंगे। हाथ से भी स्प्रेड कर सकते हैं। देखिए स्प्रेड कर दी मैं, इस पे थोड़ा सा आटा डाल के फिर दूसरी भी रोटी इसके ऊपर डाल देंगे। सारे रोटियों को मैं इसी तरह लगा के फिर बताऊंगी। देखिए हम 5 रोटियों को बेल के अच्छे से वो मोइन लगा के रख दिए। ऊपर के रोटी को, रोटी के ऊपर ये थोड़ा सा आटा छिड़क के इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं करना। फिर अच्छे से बेलने के बाद ये डाल के इसको, ये पेस्ट मोइन डाल के इसको अच्छे से फैला देंगे, फैला के इसको रोल करेंगे। देखिए इसको ऐसे रोल करेंगे अच्छे से दबाते हुए, इसको अच्छे से दबाना चाहिए।
तो खुल जाएगी ये परत। इस तरह यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको सील कर दूंगी। देखिए इसका पानी लगा के सील कर दूंगी दबा के। देखिए इस तरह काट लेंगे। देखिए ना इसके लेयर्स जबरदस्त है। इसका इसी तरह एक प्लेट में रखेंगे इसको, इसी तरह काट के सारे। देखे इस तरह बना के रखे मैं पेड़े, और इसको थोड़ा सा बेलेंगे, बेल के पूरी का शेप देंगे, फिर इसको तलेंगे हम। ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करना, लेयर्स दब जाएंगे। देखे हल्के हाथ से इसको पूरी के जैसा ही बेलना, बस परफेक्ट साइज है ये। और एक बताऊंगी, हल्के हाथ से बेलना। ज्यादा पतला भी नहीं रखना इसको, ज्यादा मोटा भी नहीं रखना चाहिए। देखिए तेल हीट हो चुकी है, ज़्यादा ओवर हीट मत करना। हम बना के रख लिए, अभी इसको फ्राई करेंगे, एक एक करके फ्राई करेंगे। देखिए इसको पलटाएंगे, देखिए लेयर्स कैसे खुल गए, आप कैमरे में से देख रहे होंगे। देखिए माशाल्लाह, बहुत आला माशाल्लाह। देखिए लेयर्स इस तरह होना चाहिए, एक तरफ सेक चुका है, फ्राई हो चुका है, दूसरी तरफ फ्राई करके निकाल लेंगे। देखिए इस तरफ भी हो चुका है, देखिए लेयर्स देखें जबरदस्त आए। इसको बोलते हैं वर्की चोंगे। इसको निकाल लेंगे। देखिए और एक फ्राई करके बताऊंगे। देखिए कैसे लेयर्स आ रहे माशाल्लाह। इसको भी निकाल लेंगे, सारे इसी तरह फ्राई करके बताऊंगी मैं। देखे सारे फ्राई करके रख दे। अभी शीरा कुनकुना है, शीरे में डिप करके एक मिनट के लिए शीरे में रखूंगी एक एक पीस, फिर डिश आउट करके बताऊंगी। देखे एक लेंगे, शीरे में डालेंगे, उसमें डिप करके। इसको ज़्यादा दबाना नहीं है क्योंकि ये बहुत ही लेयर्ड है और क्रिस्पी है बहुत, तो आपके अगर दबा देंगे
तो ये लेयर्स पूरे टूट जाएंगे। केयरफुल से करना, फिर इसको एक स्पैचुला किसी भी चीज से पलटाएंगे सपोर्ट लेके। एक मिनट के लिए शीरे में डिप करके रखेंगे, फिर डिश आउट करके बताऊंगी मैं। ठीक है, ट्रे में निकालेंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए बनके टेबल पे आ चुके हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनते हैं ये। जब मैदा गूंथते हैं तो आप वो पानी इस्तेमाल करिए, दूध इस्तेमाल मत करिए। अगर दूध इस्तेमाल करेंगे तो 2-3 दिन में आपको वो फिनिश करना पड़ेगा, इसलिए पानी से गूंदिएगा। एक टिप है। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें आपसे मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स, फिर दोबारा फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो एक्टिवेट बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियोज़।